हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, टुडे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी गाइस बज चुके हैं 5 और मैं पी रहा हूँ चाय, क्योंकि गाइस आज मैंने लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि गाइस मैं सुबह से बहुत ही बिजी था सिटी में, तो टाइम कम लगा। तो यहाँ पर आकर मुझे घर का भी काम देखना पड़ा, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैं अभी शूट कर रहा हूँ। सो आप देख पा रहे होंगे। बाकी गाइस अभी ऐसा है ना कि अभी क्लाउड जो है, जो धुंध है, जैसे विजिबिलिटी है, वो अभी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक जहाँ तक मेरे कम से कम 25-30 फुट की रेंज में। बाकी आप पीछे देख पा रहे होंगे कि दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ठंड का सीज़न बहुत है। मैंने दे लीजिए गाइस 2-3 ऑलरेडी जो है जैकेट पहन रखा है, 1-2-3। और तो और गाइस आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी बेचारा काम कर रहा है, गाय के लिए चारा लाने गया था घास, तो वो अब जा रहा है घास लेकर। वो देखो, और वहाँ पे जाकर वहाँ पे रखे गाय को खिलाएगा, वो देख सकते हैं आप। गाय भी दिखाई दे रही है, गाय भैंस दोनों ही हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं। और ये रही हमारी चाय, देख सकते हैं आप, इलायची वाली अदरक वाली चाय कितनी अच्छी लग रही है। हमने कहा कि चलो पहले चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद फिर देखते हैं फिर क्या सीन होता है। बाकी आप पार्क का हाल देख सकते हैं गाइस, पार्क यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें भी हरा भरा है पूरा। और फूल देख लीजिए कितने बड़े बड़े खिले हुए हैं, ये देख पा रहे होंगे आप, वो देख सकते हैं आप गाइस। सो फिलहाल गाइस पहले चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं, काम है थोड़ा तो काम कर लेते हैं, और कहाँ कहाँ जाना रहता है अभी देखते हैं। मेरे ख्याल से घर का काम करने के बाद ही और कोई काम मुझे देखता हूँ मुझे मिलेगा, क्योंकि आज मैं तो सिटी से तो ऑलरेडी टाइम से ही आ गया था। चलो देखते हैं क्या है। बाकी गाइस अभी का शाम का टाइम है, शाम के टाइम आज नाइट टाइम तक मैं व्लॉग शूट करूंगा, क्योंकि गाइस मुझे जो है ना, आपको क्या बताऊं, जो काम जो है हट ही नहीं रहा है। मैंने बहुत ही पहले भी व्लॉग में आपने देखा कि कम से कम 10-15 व्लॉग में तो मेरे जुकाम है, और इसी में भी जुकाम है। इससे मेरी जो है बोलने की क्षमता जो है, पता नहीं लग, जीभ जो है लड़फड़ा जाता है, क्योंकि वर्ड मीनिंग सही नहीं निकल पा रहा है ना अभी मुँह से। तो चलो एनीवे इन सब बातों को छोड़ो, आपको और दिखाते हैं। तो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आ चुका था फार्म हाउस में अपने, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि मैंने गाय को भी चारा दे दिया है कंप्लीट, और ये सब भी देख लीजिए खा रहे हैं। और ठंड से बचने के लिए मैंने इस पर भी कहते हैं रजाई टाइप बना के दे दिया है। सो ये देखें आप भी, ये देख सकते हैं गाइस आप, और ये देखें यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक इसको दे दिया है। सो गाइस ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये देखिए इनको खाने के लिए मैंने सूखा दिया हुआ है, ठंड में सूखा थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहता है। और इनको भी देख लीजिए, ये सूखा खाने से थोड़ा ये है कि ठंड इनको लगती नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको सूखा दिया हुआ है। तो चलो अब चलते हैं अपना काम करने के लिए, देखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में। फाइनली गाइस आपने देखा, तो चलो अब चलते हैं दूसरा काम की और बढ़ते हैं। सो तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और गाइस अंधेरा हो चुका है और लाइट नहीं है इस वक्त, लाइट नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपको विजिबिलिटी दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा। आप बाकी देख सकते हैं पूरा ही अंधेरा छा रहा है इधर से उधर तक, और ये देख पा रहे हैं आप, और ये देख लीजिए मैं डॉगी को खोल रहा हूँ, यहाँ से जिप्सी को खोल रहा हूँ, जिप्सी अच्छा यहाँ से खोलते हैं इसको,
उसको खोल दिया और देखो गाइस जिप्सी भाग गई बाहर। मैं हाथ हाथ धो लेता हूँ यहाँ से। सो गाइस यहाँ से हाथ धो लेता हूँ साबुन से। और ये देख सकते हैं गाइस आप शीशे में, तो फाइनली हमने हाथ धो लिया है। तो चलो ये ले लीजिए ट्रैक्टर। और बाकी आप देख सकते हैं गाइस अंधेरा बहुत ज़्यादा है, मेरे कैमरे की लाइट इतने तो जा नहीं रही है। और वो देख लीजिए मैं सामने में वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देख लीजिए गाइस, ये देख लीजिए यहाँ तक। वाह सो तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। लाइट देख सकते हैं यहाँ पर अगल बगल किसी के घर में भी लाइट जग नहीं रही है। तो इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से इधर, इधर भी। और ये देखो जिप्सी दौड़ी दौड़ी आ रही है। जिप्सी जिप्सी है इधर। सो तो गाइस अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। और गाइस मैंने आपको बताया था कि नाइट टाइम तक ब्लॉग शूट करेंगे और मुझे लगता नहीं कि लाइट अभी आएगी, क्योंकि लाइट जो है मुझे पता लगा है किसी से कि लाइट ख़राब हो चुकी है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो ख़राब हो चुका है, वहाँ पर से सड़ गया है ट्रांसफार्मर जैसे आप कह सकते हैं, तो लाइट तो आना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं गाइस करता हूँ ब्लॉग को क्लोज़। तो तब तक जाके देखते हैं फ़ोन के जो फ़ोन से ही लाइट जगाकर काम चलाना पड़ेगा जितना भी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ़ोन भी उतना ही चार्ज किया हुआ है। तो चलो गाइस अंधेरे में अंधेरा हुआ है इसलिए मैं ब्लॉग करता हूँ क्लोज़। तो फिर मिलेंगे कल अच्छा सा ब्लॉग लेकर, तब तक के लिए गाइस चलता हूँ, बाय बाय।